अब अपने देखें, आज जो अभी टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है सिस्टम डेवलपमेंट और कोड डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे पहली जो चीज है वो यही है कि कोड डॉक्यूमेंटेशन आखिर होता क्या है। आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है प्रोग्रामर वाले में। तो देखिए, कोड डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग को समझाने के लिए उसे हम लोग इजी वे के अंदर इजीली उसको समझाना चाहते हैं तो उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, जब भी आप कोडिंग कर रहे हैं तो साइड में आप उसके बारे में कमेंट्स आप देते हैं, लॉजिक को डिस्क्राइब करते हैं, और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन टूल भी आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये सब चीजें क्या कहलाती है, कोड डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। और इसका फायदा क्या रहता है, क्यों करते हैं, इससे फायदा ये रहता है कि वो इफेक्टिव हो जाती है, मेंटेनेंस आप इजिली कर पाते हैं। इसके अलावा आप इसमें और क्या बातें बता सकते हो, भाई कोई पूछ ले कोड डॉक्यूमेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, एमसीक्यू आ जाए तो इनलाइन कमेंट्स हो गया, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सॉफ्टवेयर मैनुअल्स हो गई, ये सब चीजें होती है। अगर कोई पूछे भाई कोड डॉक्यूमेंटेशन का बेनिफिट क्या है, तो आप कहोगे कोड की क्वालिटी जो है वो अच्छी आ जाती है, क्योंकि मान लो आज आप प्रोग्रामर है, कल कोई और प्रोग्रामर होगा तो उसको वो चीज समझ में आ जाएगी, तो क्वालिटी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट चीज है, अगर पूछा जाए कोड डॉक्यूमेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है इंटरनल कोड डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनल कोड डॉक्यूमेंटेशन भी दो टाइप के, एक प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन है, एक डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है हाई लेवल की इंफॉर्मेशन देना। अब आप कहेंगे हाई लेवल में क्या शामिल होगा, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अलावा जो आपकी डेवलपमेंट टीम है उसके लिए रोड मैप बना के रखता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंटरनल कोड डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन का एग्जाम्पल बताएं, तो आप कहेंगे मीटिंग नोट्स हम लोग बना के रखते हैं, स्टेटस है वो हम लोग बना के रखते हैं, वो सब चीजें उसके अंदर हमारी क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। तो ये चीजें हमारी उसके अंदर क्या होगी, शामिल रहेगी, जो जो हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई कोड डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। अब देखिए, नेक्स्ट आपके सामने है डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन। जो डेवलपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या करता है, वो शामिल करता है टेस्टिंग को, डिप्लॉयमेंट करना, मेंटेनेंस करना, और वो हमारे इंस्ट्रक्शन देना या डिटेल डेवलपर के बारे में वो हमें उसमें शामिल रहती है। और जैसे इसमें मैंने कहा कि मीटिंग नोट्स हो गया, स्टेटस रिपोर्ट्स हो गया, या रोड मैप बना के रखता है डेवलपमेंट टीम के लिए, वैसे ही ये डे टू डे एक्टिविटी शामिल रहती है। अब इसमें क्या चीज है, ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट हो गया, डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये तीनों चीजें डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन में शामिल रहेगी। आप इस मैटर को रट नहीं सकते हैं, तो आप इसको इजी वे में समझ के रखें। एमसीक्यू जब आप करेंगे तो टॉपिक अलग से आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो आप इसको समझ के रखेंगे तो इजीली आप एमसीक्यू कर पाएंगे, क्योंकि टॉपिक अलग सा दिया हुआ है उसके अंदर, है ना। अब देखिए, कॉमन टाइप ऑफ एक्सटर्नल कोड, अगर कोई कहता है एक्सटर्नल कोड कौन कौन से, ये तो इंटरनल थे, कौन कौन से थे, प्रोसेस और डेवलपर। प्रोसेस का मतलब क्या था, मीटिंग नोट्स और स्टेटस रिपोर्ट। डेवलपर का मतलब क्या था, ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट, डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन। वो किसके लिए था, वो था आपके डेवलपर टीम के लिए, रोड मैप था, और ये किसके लिए था, टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट था, डे टू डे एक्टिविटी थी। जो एक्सटर्नल वाला है वो आपका शामिल करता है सोर्स कोड आपके क्या है, प्रोडक्ट को कैसे उपयोग में लेना, सोर्स कोड जो है उनको उपयोग कैसे लेना है, प्रोडक्ट के साथ में इंटीग्रेशन कैसे करना है। और जो एंटरप्राइज डॉक्यूमेंटेशन है वो आईटी स्टाफ से रिलेटेड है, आईटी स्टाफ जिसको डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है सॉफ्टवेयर, उसमें हार्डवेयर की आवश्यकता है, उसको देखनी पड़ती है। तो देखिए, मैं वापस से दोहराऊंगा, एक्सटर्नल हो गया आपका जो हो गया सोर्स कोड को कैसे उपयोग लेना है, और एंटरप्राइज का मतलब हो गया आईटी टीम के लिए, और आईटी टीम को क्या देखना होता है, हार्डवेयर की आवश्यकताएं देखनी पड़ती है। जो यूजर्स डॉक्यूमेंट है वो यूजर के लिए है। देखिए, पहला प्रोडक्ट के लिए हो गया एक्सटर्नल, एंटरप्राइज किसके लिए हो गया, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर टीम के लिए, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हो गया, और तीसरा यूजर्स डॉक्यूमेंटेशन हो गया किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए हो गया। अब सॉरी, किसके लिए हो गया, यूजर के लिए हो गया, कि भी प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, उसके फंक्शन उसमें शामिल हो गया। एक हो गया जस्ट इन टाइम डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, जस्ट इन टाइम डॉक्यूमेंटेशन मतलब आर्टिकल हो गया, एफएक्यू के पेज हो गए, बी लॉग्स हो गए, ये हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, और वो जस्ट इन टाइम, हाथों हाथ आपको जरूरत पड़ा आपने एक आर्टिकल लिख दिया, जैसे अपने ट्वीट नहीं करते क्या, सेम उसी तरह से वो काम करेगा। अब तीसरा हो गया लो लेवल का, लो लेवल का मतलब कोड रीडेबल होना चाहिए, और कोड जब रीडेबल होगा तो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड, मतलब कोड ऐसा लिखो कि सामने वाले को कमेंट्स पढ़ना ही नहीं पड़े, ऐसे वेरिएबल के नाम लो, ऐसा उसको समझाओ, वो लो लेवल के लग। अब
हाई लेवल में क्या हो गया, हाई लेवल बड़ी बातें करेगा, और बड़ी बातों का मतलब क्या हो गया, आर्किटेक्चर डिजाइन हो गया, कोड आर्किटेक्चर लेआउट हो गया, बिजनेस लॉजिक हो गई, वो सब चीजें उसमें शामिल होती है। और वॉक थ्रू डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, डिस्क्राइब करना, उसके फ्लो चार्ट हो गया है ना, उसका पैटर्न क्या है, कोड बेस क्या है, वो सब चीजें उसमें शामिल होती है। तो पांच पार्ट हमारे हो गए, मैं एक बार वापस दोहराता हूँ। इंटरनल कोड जिसे हो गया प्रोसेस का, जिसमें स्टेटस और मीटिंग नोट्स हो गए, रोड मैप हो गया किसके लिए, डेवलपमेंट टीम के लिए, डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डे टू डे एक्टिविटी हो गया, ऑनबोर्डिंग और डिजाइन उसका एग्जांपल हो गया, और एक्सटर्नल कोड डॉक्यूमेंटेशन हो गया जिसमें पहला हो गया किसके लिए हो गया आपको, जो हाउ टू यूज सोर्स को, सोर्स कोड को कैसे यूज करना है, एंटरप्राइज वाला हो गया आईटी स्टाफ के लिए, हार्डवेयर की आवश्यकताओं के लिए, यूजेस डॉक्यूमेंट हो गया यूजर के लिए, जस्ट इन टाइम किसके लिए हो गया, हाथों हाथ जैसे एफएक्यू बी लॉग्स हो गए, और लो लेवल हो गया कि कोडिंग ही ऐसी है जो इजीली समझ में आ जाए, हाई लेवल हो गया जो ज्यादा डीपली हो गया जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, और वॉक थ्रू डॉक्यूमेंटेशन मतलब उसका फ्लो पैटर्न और ये सब चीजें उसमें शामिल हो जाएगी। एक टॉपिक और हमारे दे रखा है, प्रोग्राम डिजाइन पैराडिगम्स। जैसे पहले था सॉफ्टवेयर पैराडिगम्स था, तो उसमें आपने पढ़ा कि भाई किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम वाटरफॉल मॉडल का यूज करते हैं है ना, इस तरह की चीजें आपने उसमें देखी, प्रोटोटाइपिंग मॉडल का। इसमें प्रोग्राम डिजाइन पैराडिगम्स में हमें समझना पड़ेगा, पहला इंपरेटिव प्रोग्राम पैराडिगम्स क्या होता है, पहली प्रोग्रामिंग किसने की थी, वॉन न्यूमन साइंटिस्ट ने करी थी, अगर आपने थोड़ा बहुत भी आर्किटेक्चर पढ़ा है, और ये शामिल करता है लूप प्रोग्रामिंग, सारी चीजें उसमें शामिल रहती है, लेकिन इससे पैरेलल प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं होती है। अब इसके कितने पार्ट है, इसके तीन पार्ट है, प्रोसीजर, ऊप्स और पैरेलल। मैं वापस से दोहराऊंगा, प्रोसीजर, ऊप्स और पैरेलल इंपरेटिव के। तो प्रोसीजर में देखो, मैंने तो सारे साइंटिस्ट के नाम लिख दिए, प्रोसीजर मतलब फंक्शन का उपयोग लेना, उसको समझाने का भी कोई मतलब नहीं है और आपको पता भी है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट के नाम पूछे जा सकते हैं, तो ये नाम आप एक नजर डालें, सी डेनिस रिची, सी प्रोफेसर बजार, नेस्टर स्टॉप, जावा, जेम्स गॉसलिंग, कोल्ड फ्यूजन, जे जे एल आर ए, पास्कल हो गया, निकलस हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सैमुला हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ऑब्जेक्टिव सी हो गया जिसको ब्राड कॉक्स ने बनाया था, विजुअल बेसिक हो गया, पाइथन, गुडो वॉन रॉसम ने, रूबी हो गया और स्मॉल टॉक हो गया। इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है, और इनको आप पिक लेकर बाद में इसको क्या कर लो ना, याद आप लोग। अब देखो पैरेलल का मतलब पता हो गया, एक साथ में कई मल्टीपल प्रोसेसर पे जो काम करते हो, पैरेलल हो गया। दूसरा जो है वो डिक्लेरेटिव हो गया, डिक्लेरेटिव में भी तीन पार्ट है, लॉजिक हो गया, फंक्शनल हो गया, डेटाबेस हो गया। तो इंपरेटिव में क्या था, प्रोसीजर, ऊप्स और पैरेलल, प्रोसीजर, ऊप्स और पैरेलल इंपरेटिव में, और डिक्लेरेटिव में क्या हो गया, लॉजिकल और फंक्शनल और डेटाबेस, लॉजिकल, फंक्शनल और डेटाबेस। लॉजिकल का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और एआई का मतलब हो गया प्रोलॉग, एलआईएसपी प्रोग्रामिंग, जिसे पजल हो गया, सीरीज हो गया, रोबोटिक्स हो गया, वो सब शामिल होते हैं। फंक्शनल में फंक्शन, जो आजकल के जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स यूज होती है इसके अंदर, जैसे जावा स्क्रिप्ट, हैस्केल हो गया, स्काला हो गया, मार्टिन ने बनाया, इलंग हो गया, लिप्स हो गया, एमएल मशीनी लैंग्वेज, लैंग्वेज मशीन लर्निंग आजकल चलती है, क्लोजर हो गया, ये साइंटिस्ट के नाम आप एक बार देख। डेटाबेस में डेटाबेस वाली होगी। अब उसके अंदर है स्ट्रक्चर पैराडिगम्स, जो कि गो टू स्टेटमेंट का यूज नहीं करता, कहते भी है कई बार, मैं पुराने वीडियो में भी बताया है कई बार कि भी स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसे इफ एल्स और लूप का यूज हो रहा है, कई जगह जैसे सी लैंग्वेज और गो टू का भी यूज करता है, तो गो टू अच्छा नहीं माना जाता स्ट्रक्चर लैंग्वेज के लिए। और ये बात किसने कही थी, डिजक्स्ट्रा साइंटिस्ट था उसने ये बात कही थी, और स्ट्रक्चर थ्योरम किसने दी थी, बोहेम जैकोपिनी ने दी थी। और मल्टी पैराडिगम्स लैंग्वेज में कौन कौन से आ जाती है, जैसे सी प्लस प्लस है, ये उसके अंदर आ जाती है। और अब आती है एफिशिएंसी कंसिडरेशन, मतलब जब भी हम सॉफ्टवेयर की या प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स में एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो आपको डीएस का एक बेसिक कंसेप्ट, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भाई, आप जब भी किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करने के ऊपर उनमें कैसे पहचानो कि ये बढ़िया है कि ये बढ़िया है, तो या तो उसका टाइम कम लगना चाहिए या उसमें क्या लगनी चाहिए, मेमोरी कम लगनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको पता ही होगा, ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, तीन चीजें हम लोग डीएस के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा O1, मतलब पहली बारी में वो हमें जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वो पहली बारी में हो जाएगी। ON का मतलब लास्ट तक जाएगा डेटा, ऊपर से लेके लास्ट तक सर्च करेगा।
ओ लॉग एन, ओ एन लॉग एन का मतलब पता है, डिवाइड और कंकर, फिर डिवाइड किया फिर जोड़ा, फिर डिवाइड किया फिर जोड़ा, क्विक सॉर्टिंग के अंदर। और इसी तरह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कितनी मेमोरी वो यूज कर रहा है, वो चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। ये तो हुआ एल्गोरिथम एफिशिएंसी। अगर कोई कहता है कोड ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो सकता है, तो आप कहोगे अच्छे कोड लिखो, बढ़िया लिखो, मेंटेन लिखो, रीडेबिलिटी फास्ट होनी चाहिए, परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए, और सबसे बढ़िया किसके लिए कह रहा है, पाइथन नंपी वाई के, पाइथन का ही पार्ट है। और डेटाबेस एफिशिएंसी कैसे हो सकती है, डेटाबेस की स्कीमा बनाए पहले, उसमें जो रिपीटेशन है उसको कम करें, क्वेरीज लगाएं, डेटा को एक्सेस करें, तभी तो होगा। और नेटवर्क एफिशिएंसी कैसे होगी, नेटवर्क में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई, उसको हमें कम करना है, कंप्रेस करके डेटा को भेजोगे तो इजीली जा पाएगी, है ना, ये सब चीज आ गई। और मेमोरी एफिशिएंसी का मतलब मेमोरी लीकेज ना हो जाए, मेमोरी लॉस ना हो जाए, ये सब चीजें उसमें क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। तो लास्ट में टेस्टिंग और प्रोफाइलिंग हो जाएगा, मतलब हमारी रेगुलर टेस्टिंग के द्वारा हम देख लेते हैं भाई करेक्ट है, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, ये सब चीज उसमें शामिल हो जाती है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, और नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे भाई प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स में क्या है।